हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का ट्रांसलेशन क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेनली होता क्या है कि हम लोग जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जैसे मैं पटना जाता हूँ, वह दिल्ली से आ रहा है, बिल्कुल आसान ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आम बोलचाल की भाषाओं को ट्रांसलेट करना पड़ता है तो कठिन होता है। कठिन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और आज मैं वही बिल्कुल जो आम बोलचाल में यूज की जाती है उसी को ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ, ताकि इंग्लिश बोलने में आप बिल्कुल नेचुरल बोलें। अगर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो स्वाभाविक है आप बेहतर बोल भी सकते हैं, या फिर सामने वाला जिस तरीके से बोल रहा है आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज का ट्रांसलेशन सही से देखिए। आप देखते हैं, आप देखेंगे, एक गाना भी सुनेंगे, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी से, अगर उसी को ट्रांसलेट करना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। आप देख लीजिए क्या क्या इंक्लूड है, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, कोई न कोई, किसी न किसी से, ऐसा न हो कि, जैसे तैसे, जहाँ जहाँ, और जहाँ तहाँ, ऐसे वैसे, कुछ ही देर में, या बारी बारी से। इन सभी को ट्रांसलेट करना है। इन सभी पर मैं एक एक सेंटेंस को बताऊंगा और उसको ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप समझ सकें और इसे लिखने में या बोलने में यूज कर सकें। यहाँ पर देखेंगे सभी लोगों ने बारी बारी से उसे समझाया, ऐसा होता है। या फिर अब आप कुछ ही देर में एक गाना सुनेंगे, मेरे सामने ऐसे वैसे मत करो, या जहाँ तहाँ अपमानित होता है। तो इन सभी को कैसे ट्रांसलेट करेंगे एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा और देखूंगा आपका जवाब कितना सही से होता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंस को ठीक से देखते हैं और मैं इसे आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। सभी लोगों ने बारी बारी से उसे समझाया। तो पहले समझिए कि टेंस कौन सा है। पास्ट इंडिफिनिट है। सभी लोगों ने उसे बारी बारी से समझाया। सब्जेक्ट प्लस वी टू। तो सभी लोगों ने, ऑल पीपल कन्विंस्ड हिम, उसे समझाया बारी बारी से, वन बाय वन। मतलब सभी लोगों ने उसे बारी बारी से समझाया। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट प्लस वी टू का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप कुछ ही देर में एक गाना सुनेंगे, लेकिन वर्तमान की बात बोल रहा है, इसलिए विल का प्रयोग अगर नहीं करें तो और बेहतर है। चलिए आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि गागे की लगा हुआ है तो सेल विल का ही प्रयोग हो, अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। अब आप कुछ ही देर में एक गाना सुनेंगे, तो नाउ यू आर गोइंग टू लिसन, और लिसन के बाद टू जरूर लगाएं, तो लिसन टू अ सॉन्ग कुछ ही देर में, इन अ शॉर्ट व्हाइल। नाउ यू आर गोइंग टू लिसन टू अ सॉन्ग इन अ शॉर्ट व्हाइल। अब आप कुछ ही देर में एक गाना सुनेंगे या सुनने वाले हैं, सुनने जा रहे हैं। ट्रांसलेट करते समय आपको ये नहीं सोचना है कि गागे गी लगा हुआ है या लगा हुआ है, कुछ भी। टेंस की पहचान को ज़्यादा नहीं दिखना है, आपको उसके सेंस पर ध्यान देना है। तो चलिए, मेरे सामने ऐसे वैसे मत करो, मेरे सामने ऐसे वैसे मत करो, बहुत आसान तरीके से। देखकर तो लगता है कि डर, अरे ऐसे वैसे का क्या होगा, लेकिन डरना नहीं है। तो मेरे सामने ऐसे वैसे मत करो, यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है, किसी को बोल रहे हैं कि ऐसा करो या फिर ऐसा नहीं करो, आदेश दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आदेश दे रहे कि ऐसा मत करो, डांट रहे हैं किसी को, तो हम बोलेंगे डोंट डू। और ऐसे वैसे के लिए सिंपल वर्ड का प्रयोग करेंगे, लाइक दिस, मेरे सामने, इन फेस ऑफ मी,
बहुत आसान तरीके से हो गया। मेरे सामने ऐसे वैसे मत करो, डोंट डू लाइक दिस इन फेस ऑफ मी। चले नेक्स्ट है, वह जहाँ तहाँ अपमानित होता है, मतलब जहाँ भी जाता है अपमानित होता है। आसान तरीके से बनाएंगे तो पहले लिखेंगे वह अपमानित होता है, तो ही गेट्स इंसल्टेड, और जहाँ तहाँ हियर एंड देयर। अब आप सोचेंगे जहाँ तहाँ, देखकर तो डर लगता है जहाँ तहाँ का क्या लिखेंगे, लेकिन देखिए कितना आसान है। तो ही गेट्स इंसल्टेड हियर एंड देयर, वह जहाँ तहाँ अपमानित हो जाता है। तो आपने कहाँ तक सीखा? फोर तक। चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जहाँ जहाँ जाता है पिटाई खाता है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, अरे वो तो जहाँ जहाँ जाता है पिटाई खाता है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह जहाँ जहाँ जाता है पिटाई खाता है। तो चलिए लिखते हैं, ही गेट्स बीटन, ही गेट्स बीटन, वह पिटाई खाता है जहाँ जहाँ। व्हेयर एवर ही गोज, वह जहाँ जहाँ जाता है पिटाई खाता है। He gets beaten wherever he goes. Next, मैं जैसे तैसे वहाँ से बच निकला। जैसे तैसे किसी भी तरीके से मैं वहाँ से बच निकला। तो चलिए लिखते हैं, I somehow or the other managed to escape From there, मैं जैसे तैसे वहां से बच निकला। I somehow or the other managed to escape from there. तो इसका यूज इस प्रकार करेंगे। और याद रखेंगे यहां प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल काम कर रहा है, यहां पास्ट इंडिफिनिट का रूल काम कर रहा है। टेंस को जानना जरूरी है, उसके बाद हम सेंस के बारे में सोचेंगे कि यहां पर कौन सा वर्ड प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है, जल्दी आओ, ऐसा ना हो कि टेंस छूट जाए। अब टेंस से बाहर की बात है और इसमें लेस्ट का प्रयोग होगा। सो देख लीजिए, पहले इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, जल्दी आओ मतलब कम सून, कम सून, जल्दी आओ, ऐसा ना हो कि टेंस छूट जाए। और जब भी इस तरह का सेंटेंस हो ऐसा ना हो कि, तो उसमें आप लेस्ट का यूज कीजिए और उसके साथ सूड का प्रयोग कीजिए। तो लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, बहुत आसान तरीके से इसे ट्रांसलेट करेंगे आप, जल्दी आओ ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। कम सून, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। चलिए, तुम्हें किसी न किसी से यह बात बतानी होगी, तुम्हें किसी न किसी से यह बात बतानी होगी। तो कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। तुम्हें अब क्या है कि इसे हम बनाएंगे विल हैव टू, मतलब कोई काम करना पड़ेगा, कंपल्सन, नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन का बोध होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यू विल हैव टू टेल दिस टू समवन और द अदर, मतलब किसी ना किसी से के लिए समवन और द अदर का प्रयोग करेंगे। यू विल हैव टू टेल दिस टू समवन और द अदर, तुम्हें किसी ना किसी से यह बात बतानी होगी। तो आपने कहाँ तक सीखा? किसी ना किसी से। और अभी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे भी देख लेते हैं, हो सकता है उसी से हम क्वेश्चन कर दें। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन करना है, मुझसे मिलने कोई ना कोई ज़रूर आएगा, मुझसे मिलने कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम कोई ना कोई को, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई ना कोई है और वही आने वाला है, वही आएगा, तो हम क्या करेंगे, समवन और द अदर फ्यूचर इंडिफिनिट है, विल डेफिनेटली कम टू मीट मी,
someone or the other will definitely come to meet me, मुझसे मिलने कोई ना कोई जरूर आएगा. तो क्या करेंगे, someone or the other means कोई ना कोई जरूर आएगा, will definitely कम किससे मिले, टू मीट मी मुझसे मिले. चले नेक्स्ट है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा. और फिर यहाँ पर विल हैव टू का यूज होगा और उसमें हम यहाँ पर नेसेसिटी को बताने जा रहे हैं कि मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा. तो चलिए, आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, और उसके लिए, उसके लिए तो क्या करेंगे, फॉर हीम, फॉर हीम. तो आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर फॉर हीम, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा. चलिए, कहीं ना कहीं मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, कहीं ना कहीं मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा. आप ऐसा बोलते हैं और इसको ट्रांसलेट भी करना है. तो कहीं ना कहीं मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, तो चलिए मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा लिखते हैं. तो आई विल डेफिनेटली मीट यू कहीं ना कहीं, समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर, मैं तुमसे कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा. नेक्स्ट है, कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी, कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी. कैसे हम बोलेंगे इसे, तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी लिख सकते हैं, यू विल सर्टेनली, You will certainly remember me. Remember me. You will certainly remember me. कभी न कभी. Sometime or the other. Sometime or the other. और इस तरीके से इन सभी कठिन से कठिन वाक्यों को हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं. लेकिन ज़रूरत है कि आप इस प्रैक्टिस करें. इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा. लेकिन कमेंट बॉक्स में अधिक नहीं, सिर्फ मैं अभी जो पूछने वाला हूँ उसी को ट्रांसलेट करेंगे. तो चलिए, आज का सवाल है, जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए. जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए. आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ. जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, इसके रूल को बता चुका हूँ और अभी आपको ट्रांसलेट करना है. याद रहे, कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ एक ही सेंटेंस को लिखिए, बहुत सारे सभी को मत लिख दीजिए, क्योंकि चेक करने में मुझे प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए विनती है कि सिर्फ एक सेंटेंस को लिखेंगे. तो सवाल क्या है, जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए. तो अभी ट्रांसलेट कीजिए, मैं एक एक करके चेक करूंगा. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.